तो आज एक मेरे पास HP का लैपटॉप आया हुआ था, तो मैं ये डेड केस में था। पार्टी का कहना था कि सर ये मेरा ऑन नहीं हो रहा है, तो एक एक करके मैंने देखा तो ये यहाँ पे मुझे वर्क किया हुआ मुझे दिखाई पड़ा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये IC मुझे रिप्लेसमेंट किया हुआ दिखाई पड़ा। ये मेरा IC PU8, ये मेरा रिप्लेसमेंट किया हुआ मुझे नज़र आया। और तो मुझे कहीं काम किया हुआ नज़र नहीं पड़ा, बस यहीं पे मुझे नज़र दिखा। बाकी बोर्ड तो मेरा इसमें बिल्कुल सारा बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है इसमें। बस कहीं पे ऐसा द डस्ट वगैरह या कुछ ऐसा समथिंग मुझे इस बोर्ड पे मुझे कहीं पे मिला नहीं। बस वहीं पे मुझे नज़र आया अगला कहना है कि सर मेरा ऑन नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों भाई, नहीं भाई, मैं अपने स्तर से एक बार इसे दोबारा चेक कर लेता हूँ। तो इसका जो पार्ट नंबर है ये मेरा आप देख सकते हैं DAR33HMV6A0, ये इसका पार्ट नंबर है। अब इसका पार्ट नंबर है तो आप सप्लाई डाल के एक एक करके चेक करेंगे। इसमें तो साफ़ सुथरा करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा इस पर, क्योंकि ये साफ़ सुथरा किया हुआ है, इसमें उतना ज़रूरत ही नहीं है। ये मुझे कस्टमर ला के दिया, तो कस्टमर का कहना है सर मैंने दिया था बनाने कहीं और, तो वहाँ उन्होंने नहीं किया, तो मैंने आपके नाम सुना तो लेके आया था। चलिए अब मैं इसका एक एक करके सप्लाई डाल के मैं इसका सप्लाई वगैरह चेक कर लेता हूँ कि मेरा क्या इस पर सप्लाई वगैरह बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। गेट लगा चुका हूँ और ये मेरा लाइट भी ग्लो कर रहा है बिल्कुल। अब एक एक करके सप्लाई थोड़ा सा चेक कर लेते हैं और देखेंगे कि मेरा क्या क्या सप्लाई इस पर बन रहा है क्या सप्लाई नहीं बन रहा है। सबसे पहले तो मैं 19 वोल्ट चेक करूँगा और 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट का सप्लाई थोड़ा देख लूँगा कि ये मेरा इस बोर्ड पे मुझे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मेरा स्टेप डाउन का IC तो दोनों यहीं पे बगल पे ही रखा हुआ है। पहले तो ये देख लेते हैं, ये 25 वोल्ट बिल्कुल सही, 19 वोल्ट तो पेश हो रहा है मेरा, बिल्कुल सही तो हो रहा है। अब थोड़ा 3.5 वोल्ट देख लेते हैं, इसमें तो 3.5 वोल्ट मेरा बना नहीं, सस्पेंड होगा, बिल्कुल सही। जब ये इसे पावर बटन से प्रेस करेंगे तो ही मेरा ऑन होगा। हो सकता है ये IC खराब डाल दिया होगा, तो एक बार उससे भी एक बार करके रिप्लेसमेंट करके देख लेंगे, देखेंगे। पहले तो इधर 19 वोल्ट वगैरह सारा सप्लाई थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी तो एक एक करके जाएंगे। 19 वोल्ट इधर मेरा ठीक सप्लाई मिला और मुझे कहाँ पे चेक कर सकते हैं इसका बायोस में, तो बायोस में भी चेक कर लेते हैं। इसका बायोस में यहाँ तो मुझे 3.3 वोल्ट मिल रहा है। थोड़ा चार्जिंग पे देख लेते हैं, चार्जिंग वाले स्विच पे थोड़ा यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे तो मुझे सप्लाई तो बन रहा है, एक बार क्यों ऑन ऑन हो रहा है क्या? ऑन होगा तो फैन तो घूमेगा ही, लेकिन ये तो मेरा ऑन तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। मैं आपको DC का थोड़ा सा एम्पियर मैं दिखा दूँ कि मेरा क्या इसमें शो कर रहा है। 0.005 मेरा शो कर रहा है, ये मेरा इस पे एम्पियर शो कर रहा है 0.005। ये मेरा 0.005 सप्लाई है, बाकी ये तो इतना नहीं बताना चाहिए, 25 के समथिंग या 29 या 12 मेरा बताना चाहिए। जैसे मैं इसे जेक को निकालूंगा
और ऐसे ही मेरा 12 मुझे बताना चाहिए था, लेकिन इसमें 12.19 नहीं बता रहा, मेरा 0.5 मतलब 5 बता रहा है इस पर। इसका मतलब है कि सप्लाई तो इन हो रहा है, लेकिन मुझे सप्लाई कहीं ना कहीं मिसिंग ज़रूर होगा। जब पावर ऑन कर रहे हैं तो ऑन भी ये मेरा नहीं हो रहा है, तो एक एक करके मुझे देखना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू तो करेंगे और डायग्राम निकालने के बाद देखेंगे इस पर मुझे आयो का क्या क्या इसमें मेरा सप्लाई मिल रहा है। आयो से पहले मुझे देखना पड़ेगा स्टेप डाउन आईसी, क्योंकि स्टेप डाउन आईसी में कौन सा आईसी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है तो कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले स्टेप डाउन के आईसी पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे मेरा क्या बता रहा है इस पर। अब डायग्राम पे चलते हैं सीधे, अब क्योंकि आईसी चेंज किया हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो हो सकता है आईसी गलत लगाया हो, तो एक बार इसका रिक्वायरमेंट भी मैं सारा कुछ चेक कर लूँगा और देखूँगा कि इस पर क्या क्या मेरा सप्लाई इस पर बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है। तो मेरा इस पर, मैं आईसी पे तो बिल्कुल आ चुका हूँ डायग्राम पे, और स्टेप डाउन के आईसी के रिक्वायरमेंट पे मेरा जो सप्लाई है किस किस पिन में मुझे सप्लाई मिलना चाहिए, ये तो मेरा भीन का सप्लाई है, इसमें तो मुझे मिलना ही चाहिए। और ये मेरा एनेबल के लिए हुआ है, 1 वोल्ट का सप्लाई, 1 सप्लाई इसमें मुझे मिलना चाहिए था, 19 वोल्ट, इसमें 2.3 समथिंग ये मुझे मिला। और इसमें मुझे LDO का सप्लाई दोनों मिलना चाहिए, पिन नंबर 8 और ये 17 पे, और पिन नंबर 2 पे भी मुझे 2 वोल्ट यहाँ शो करा, भी रिफ्रेश इसमें मुझे 2 वोल्ट मिलना चाहिए। और ये पिन नंबर 4 में मुझे 5 वोल्ट मुझे शो कर रहा है इस पर। और ये तो गेट का सप्लाई है, और रूट का सप्लाई तो बाद में मुझे मिलेगा, और एनापल ये पावर बूट का भी सप्लाई मुझे 3.3 वोल्ट पिन नंबर 23 पे होना चाहिए। ये तो मुझे जब बोर्ड ऑन हो जाएगा तब मुझे ये सप्लाई मुझे मिलेगा, ऐसे तो मुझे नहीं मिलेगा। और आपका एनापल 2 कहाँ दिया, एनापल 1 तो दिया, एनापल 2 मुझे कहाँ पे दिया, ये एक मेरा दिया S5 का 1 का सप्लाई, ये भी इसमें भी पिन नंबर क्या है 18 पे मुझे सप्लाई मिलना चाहिए। अभी तो बेसिक ये चीज़ मुझे 3-4 जो सप्लाई है ये मुझे इस पर सप्लाई मिलना चाहिए पहले। इस आईसी में मुझे ज़्यादा सप्लाई नहीं मिलना चाहिए, 3 मैक्सिमम इसमें सप्लाई, इसमें देखें पिन नंबर 3 पे मिलना चाहिए था, पिन नंबर 4 में मिलना चाहिए सप्लाई, पिन नंबर 8, पिन नंबर 9 और पिन नंबर 30 और पिन नंबर 60 और पिन नंबर 70, ये मेरा इतना में मुझे सप्लाई इसका मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो समझ जाएंगे कि आईसी सही से रिप्लेसमेंट नहीं किया या फिर आगे कोई मेरा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इतने सारे पिन में पहले एक बार चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि मेरा कौन क्या क्या मेरा इस पर सप्लाई इसमें बन रहा है। और जेक डालने के बाद मैं इस पर थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि मेरा पिन नंबर 1 किस साइड से स्टार्टिंग है। ये मेरा 1 डॉट देख रहे हैं, ये मेरा पिन नंबर 1 ये साइड से स्टार्ट होगा, पिन नंबर 6, पिन नंबर 7, पिन नंबर 12, 13, 38, 24, ये साइड मुझे 24 का सप्लाई इस पर मिलना चाहिए। और मैक्सिमम जो मेरा जो सप्लाई है वो कौन कौन सा सप्लाई मुझे मिल रहा है उसे देखना पड़ेगा पहले, उसके बाद आगे का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा मुझे, इस पर क्या क्या मेरा इस पर सप्लाई मुझे मिल के आ रहा है। अगर मुझे स्टेप डाउन का रिक्वायरमेंट ही पूरा अगर नहीं होता है तो मेरा बोर्ड ऑन तो होगा ही नहीं कभी, क्योंकि इसका पावर गुड का सप्लाई जैसे ही इसका सीक्वेंस देगा वैसे ही पावर गुड पिन नंबर 35 और 23 में मुझे मिलना चाहिए 3.3 वोल्ट। अगर वो नहीं मिले तो प्रॉब्लम तो इस पर करेगा, इस पर कोई शक नहीं। टेस्ट कर लेते हैं, चेक करते हैं अच्छे से, फिर इस पर पिन नंबर 1 के साइड से ही पूरा चेक करेंगे, देखेंगे कि मेरा इस पर क्या क्या सप्लाई इस पर बन रहा है।
तो पिन नंबर 1 के साइड से मुझे देखना पड़ेगा। पहला तो मैंने कितना क्या पिन नंबर 19 वोल्ट इस पर देखेंगे कि मेरा इन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे मुझे 19 वोल्ट मिलना चाहिए इस कैपेसिटर पे। मेरा 19 वोल्ट तो इन कर रहा है मेरा। और पिन नंबर 8, पिन नंबर 8 और 17 हम थोड़ा सा चेक करेंगे। तो पिन नंबर 8 मुझे यहाँ पे 7 8, तो ये कैपेसिटर बिल्कुल 3.3 वोल्ट बना रहा है इस पर। और पिन नंबर 70 मतलब 17 पिन पे, तो 17 पिन पे मेरा 5 वोल्ट बिल्कुल बन रहा है। तो पिन नंबर क्या शो किया था, पिन नंबर 3, तो मेरा पिन नंबर 3 ये साइड पे है। तो 1 2 3 1 2 3, तो इस पे मुझे क्या सप्लाई मिलना चाहिए, लेकिन इस पे 2 वोल्ट के जगह पे मेरा कोई सप्लाई नहीं पिन नंबर 3 पे। पिन नंबर 3 पे बनाना चाहिए था सप्लाई, लेकिन पिन नंबर 3 पे नहीं है। तो मेरा पिन नंबर 9 भी चेक करने के लिए बोला था, तो 9 को भी चेक कर लेते हैं। और 9 में भी देख लेते हैं कि मेरा पिन नंबर 9 पे क्या इस पे मिल रहा है। नहीं मिले तो एक बार आईसी को भी रिप्लेसमेंट करके देख सकते हैं। पिन नंबर 9, तो 8 9 इसका एक कैपेसिटर के साथ में अटैच है, तो कैपेसिटर पे ही रख लेते हैं ये कैपेसिटर पे। यहाँ पे भी मुझे कोई सप्लाई नहीं मिला। कहने का मतलब ये है कि पिन नंबर 9 और पिन नंबर 3 में तो मेरा कोई सप्लाई ही नहीं बन रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है इस पर, एक बार रिप्लेसमेंट करके देखते हैं अगला क्या क्या नहीं किया उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना एक बार आईसी को लगा के एक बार चेक करेंगे। और पिन नंबर 13 में मैं थोड़ा सा इनेबल का भी सप्लाई थोड़ा देख लेते हैं। पिन नंबर 13 पे मेरा सप्लाई मिल रहा है कि नहीं तो फिर पागल हो जाएंगे। फिर मेरा तो आईसी नहीं मिल रहा है सप्लाई, इस पर भी इनेबल का भी सप्लाई इस पर नहीं है। तो एक बार इसे रिप्लेसमेंट करके ही देखते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा। पहले इसका रिक्वायरमेंट कोल फिल करते हैं आईसी का। तो मैंने तो आईसी रिप्लेसमेंट कर चुका हूँ, और करने के बाद अच्छा पेस्ट वगैरह रह गया है, थोड़ा इसे साफ कर लेते हैं पहले। और साफ करने के बाद देखते हैं कि मेरा इसका सप्लाई वगैरह डाल के भी देख लेंगे कि मेरा क्या इस पर है प्रॉब्लम। थोड़ा थीनर से ही साफ कर लेते हैं। मैंने आईसी तो रिप्लेसमेंट कर दिया हूँ, अब आईसी रिप्लेसमेंट करने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम क्या रह जाता है, अच्छे से थोड़ा साफ भी करना बहुत ज़रूरी है। मेरा आईसी तो ऐसे नहीं पता चलेगा कि अच्छे से लगा है कि नहीं लगा। तो आईसी एक बार जूम करके देख लेते हैं, अच्छा भी नहीं पता चलेगा। तो मैंने आईसी को लगा चुका हूँ, ये मेरा पुराना आईसी है। ये मेरा किस चीज़ का आईसी है थोड़ा इसे देखना है, देख लेते हैं। ये मेरा 5 1 1 2 5 2 3 ये मेरा आईसी लगा हुआ था, इसके अकॉर्डिंग ये इसमें लगता है इस बोर्ड पे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर तो मेरा लगा हुआ था आरटी का आईसी लगा हुआ था, UP1585 क्यू, इसके जगह चेंज कर दिए। तो चेंज करने के बाद आप थोड़ा इसे साफ़ किए हैं, अब साफ़ करने के बाद थोड़ा सा इसे अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं। तो आईसी तो मैं अच्छे से बिल्कुल चेक कर चुका हूँ, और पिन मेरा सारा बिल्कुल अच्छे से कनेक्शन है, और कनेक्शन आने के बाद बिल्कुल सही है। अब इसे सप्लाई डाल के दोबारा इसमें जो मेरा जो किस किस पिन में मुझे जो सप्लाई नहीं था उसमें एक बार सप्लाई देख लेते हैं। मेरा पिन नंबर 30 पे इनेबल का भी सप्लाई मेरा नहीं मिल रहा था, तो उसमें भी एक बार सप्लाई इसको चेक करते हैं और देखेंगे मेरा सक्सेस हुआ कि नहीं, क्योंकि आईसी चेंज करें तो सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है
लेकिन मेरा तो लग रहा है सक्सेस हो गया है, क्योंकि मुझे एम्पियर थोड़ा सा हाई लगा, थोड़ा बढ़ा हुआ डीसी का, तो उससे मुझे पता चल गया। तो एक बार सप्लाई भी देख लेते हैं। पहले पिन नंबर दो पे, नहीं सॉरी सॉरी, पिन नंबर पहले मैं किस पे चेक कर रहा था, पिन नंबर थ्री पे। तो पिन नंबर थ्री पे क्या सप्लाई है थोड़ा देख लेते हैं। ग्राउंड और पिन नंबर थ्री पे क्या सप्लाई है। मेरा 2 वोल्ट तो बिल्कुल सही बन गया पिन नंबर थ्री पे। तो पिन नंबर मेरे 13 पे भी बना सप्लाई क्या उस पे, एक बार उसे भी देख लेते हैं। पिन नंबर 13 का सप्लाई क्या मेरा इस पे बना के आ रहा है। पिन नंबर 13 मेरा 3.3 वोल्ट बिल्कुल बन चुका है भाई। पहले तो मेरा पास सप्लाई नहीं था, पिन नंबर 13 पे मेरा सप्लाई भी बन चुका है। अब इसे ऑन करके देख लेते हैं कि मेरा ऑन इस पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, ये तो मेरा बिल्कुल ऑन हो चुका है। फ़ैन भी रोटेशन बिल्कुल कर रहा है मेरा, इस पे फ़ैन वगैरह भी रोटेशन बिल्कुल कर रहा है। एक बार इसका कॉइल वगैरह में भी सप्लाई थोड़ा देख लेते हैं कि मेरा किस किस कॉइल में क्या क्या सप्लाई बन रहा है, उससे मुझे पता चल जाएगा प्रॉब्लम। मेरा फ़ैन का रोटेशन बिल्कुल सही है। कभी भी कोई भी आईसी आपका हो कभी भी, तो आप पहले उसका रिक्वायरमेंट अच्छे से चेक कीजिए। खाली आईसी रिप्लेसमेंट कर देने से आपका कभी बोर्ड नहीं बनेगा। आईसी का रिक्वायरमेंट पहले देखिए, उसके बाद कीजिए, तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल हो जाएगा। मेरा जो सप्लाई था इधर 3.3 वोल्ट का सप्लाई 5 वोल्ट था, ये मेरा 3.3 वोल्ट, मेरा 5 वोल्ट बिल्कुल सही बना। और इधर मेरा रेम का सप्लाई बनना चाहिए, इधर 1.8 वोल्ट भी बन गया मेरा, 1.1 वोल्ट बिल्कुल सही। आप सीपीयू का थोड़ा सप्लाई चेक कर लेते हैं। मेरा बिल्कुल कोर से 4 वोल्ट बिल्कुल 1 वोल्ट 0.9 के समथिंग ये मेरा कोर बन चुका है सप्लाई। 1.1 वोल्ट बिल्कुल सही, मेरा सारा सप्लाई मेरा बिल्कुल सही बन गया। और रैम का तो सप्लाई, ये मेरा ये कैपेसिटर है तो ये साइड बनना है 1.5 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरा DDR3 रैम है। अब एक बार इसका कीबोर्ड भी लगा के देख चेक कर लेते हैं कि मेरा कीबोर्ड में डिस्प्ले आया कि नहीं आया। आ गया तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बिल्कुल मेरा कीबोर्ड में भी डिस्प्ले आ चुका है। आप मेरा देख सकते हैं कीबोर्ड में भी मेरा बिल्कुल डिस्प्ले आ चुका है और फैन भी रोटेशन मेरा हो चुका है। तो एक बार इसे सेट करके लगा के एक बार डिस्प्ले चेक कर लेते हैं पहले। चलिए आप सेट करके एक बार लगा कर डिस्प्ले देखते हैं। तो मैं इसमें सारा कुछ लगा चुका हूँ और डिस्प्ले वगैरह सारा लगाने के बाद केबल भी लगा चुका हूँ। तो आप इस पर एक बार ऑन करके देख लेते हैं मेरा ऑन हो रहा है कि नहीं। मेरा ऑन तो हो चुका और मेरा बिल्कुल डिस्प्ले भी मेरा आ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, क्योंकि मेरा डिस्प्ले भी बिल्कुल आ चुका है इस पर।